स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों एसएससी एमटीएस का एडमिट कार्ड स्टेटस सभी रीजन का आ चुका है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो किस डेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा एसएससी। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। अब जो भी आपका रीजन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो सभी रीजनों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे अगर नॉर्थन रीजन है तो नॉर्थन रीजन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करके चेक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे स्टेटस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीएसई एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023 पेपर वन क्लिक यहाँ पे करोगे, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा, यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको आपकी ईमेल आईडी में मिल जाएगी, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी एसएससी का फॉर्म भरते टाइम, उस ईमेल को आप लॉगिन करोगे, उसमें सर्च करोगे एसएससी स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालिएगा, फादर नेम यहाँ पर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे सर्च स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो किस डेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है। एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में भी आपका एग्जाम हो उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर दिख जाएगा, नाम, फादर नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फॉर्म का स्टेटस दिख जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। फॉर्म एक्सेप्टेड यहाँ पे दिखा रहा है, तो जैसे फॉर्म एक्सेप्टेड यहाँ पे दिखा देगा तो आपको डेट दिखा देगा किस डेट में आपका एग्जाम है, किस दिन एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। तो ये जो गेट क्लोजिंग टाइम है इस टाइम से पहले ही आप एग्जाम हॉल में एंटर कर जाइएगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर क्लोजिंग टाइम के बाद आप एंटर करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम हॉल में। एग्जैक्ट टाइमिंग आपको दिख जाएगा कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम है। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो जिस डेट में भी आपका एग्जाम है उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड यहाँ से यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड या एडमिट कार्ड है, उसके बाद जब 4 दिन पहले या 3 दिन पहले आप देखोगे जिस डेट में आपका एग्जाम उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले यहाँ पे आप देखोगे एडमिट कार्ड पर क्लिक करके डाउनलोड या एडमिट कार्ड पे, यहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा एमटीएस का डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए, उस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेटस स्लैश डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड अवलदार सीबीएसई एंड सीबीएन एग्जाम 2023 टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 सितंबर 2023 टू 14 सितंबर 2023। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ आते हैं और क्रॉस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना नाम यहाँ पे डालें, माताजी का नाम यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अपने नाम की आप 3 डिजिट डाल सकते हो, माताजी के नाम की भी 3 डिजिट डाल सकते हो। बाकी अगर आपको कंप्लीट नाम और माताजी का कंप्लीट नाम जो आपने डाला था एप्लीकेशन फॉर्म में, जो फॉर्म में डाला था वो पता है तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, मदर नेम यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आपका सेंट्रल रीजन है तो सेंट्रल रीजन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इन सभी का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पे जो आ रहा है स्टेटस स्लैश डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टीटास्किंग, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद क्लिक हियर पे क्लिक करोगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, यहाँ पे एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा,
जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में एग्ज़ाम देने के लिए कौन सी सिटी आपने ऑप्ट की थी वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको यहाँ पे डालिएगा और सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना नाम यहाँ पे डालें, फादर नेम यहाँ पे डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें, सिटी यहाँ पे डालें और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिटी जो भी आपने ऑप्ट की थी उस टाइम पे वो यहाँ पे डालेगा और सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ तो किस डेट में एग्ज़ाम, किस सिटी में एग्ज़ाम है। और अगर आपको मध्य प्रदेश रीजन है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस सेलेक्ट डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टी टास्क नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी वाइज भी आप देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप अपना नाम डालें, यहाँ पे फादर नेम डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के बॉक्स पे क्लिक करके सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हो। वेस्टर्न रीजन अगर आपका तो वेस्टर्न रीजन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इन सभी का डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे सीधा ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेटस सेलेक्ट डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मल्टी टास्क नॉन टेक्निकल। यहाँ पे आप क्लिक करो, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल के सर्च पे नाउ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं पता तो यहाँ पे नाम डालें, यहाँ पे फादर नेम डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे डालिएगा, सर्च नाउ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस एंड ई एडमिट कार्ड फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ऑल, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप अपना नाम डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें और यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आईडी आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपका साउथर्न रीजन है तो साउथर्न रीजन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें और यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है तो उसके बाद यहाँ से रोल नंबर, किस डेट में एग्ज़ाम, किस सिटी में एग्ज़ाम है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और जिस डेट में आपका एग्ज़ाम उस डेट से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले देखोगे तो यहाँ पे आपको उसका भी दिख जाएगा डाउनलोड ई एडमिट कार्ड का। उस पर क्लिक करके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपका कर्नाटक केरला रीजन है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा और उसके बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा। ऊपर की तरह भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है क्लिक हेयर टू नो द एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, बॉक्स पे क्लिक करके चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो यहाँ पे नाम डालिएगा, यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च पे क्लिक करके आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपका ईस्टर्न रीजन है तो ईस्टर्न रीजन पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप अपना नाम डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके डालिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट डिटेल आपको दिख जाएगी, एडमिट कार्ड भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।